दोस्तों, हमारे देश में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानता को ध्यान में रखते हुए कास्ट को आधार बनाकर अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसके मदद से गवर्नमेंट जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के दौरान रिजर्वेशन दिया जा सके। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इन सभी कैटेगरी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो आइए जानते हैं। तो ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में उन समुदायों को शामिल किया गया जो मुख्य समाज से कटे हुए और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े हुए लोग हैं। भारत के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसे सैकड़ों आदिवासी समूह रहते हैं जो आधुनिक आविष्कारों से वंचित है, और ऐसे लोगों के लिए 7.5% सीट्स रिजर्व्ड है। भील, गोंड, मुंडा, संथाल जैसी 100 से भी ज्यादा समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में शामिल है। SC यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में उन जातियों को शामिल किया गया जो मुख्य समाज का हिस्सा तो है, लेकिन इन्हें सबसे छोटी जाति के रूप में कंसीडर किया जाता था और हीन नजरों से देखा जाता था। ये जातियां अछूत मानी जाती थी और इनके काम का कोई सम्मान नहीं था। ऐसे जातियों को समाज में सम्मान दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई। चमार, रामदासी, पासी और चनाल जैसी सैकड़ों जातियां SC के कैटेगरी में शामिल हैं। ST और SC कैटेगरी के लिए आरक्षण की पेशकश भीमराव अंबेडकर ने की थी और वो इस आरक्षण के घोर समर्थक और प्रशंसक थे, और इसी वजह से इन समुदायों के लिए आरक्षण का जिक्र संविधान में ही किया गया। लेकिन इन दोनों समुदायों को आरक्षण देने के बावजूद देश में करोड़ों ऐसे लोग थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और उन्हें भी आरक्षण की जरूरत थी। ऐसे लोगों को OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेज कहा गया और OBC की कैटेगरी में शामिल किया गया। 1980 में पब्लिश हुए मंडल आयोग के रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन जनसंख्या के 52% लोग इसी कैटेगरी में शामिल थे। मंडल आयोग के सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए VP सिंह की सरकार ने 1990 में पहली बार इस कैटेगरी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, और चूंकि इस कैटेगरी के लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, इस वजह से OBC के लिए 27% सीटें आरक्षित की गई। इन तीन तरह के रिजर्वेशन कोटा के अलावे साल 2019 में एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया जिसे EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहा गया, और इस कोटा के तहत उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और अन्य किसी भी कोटा के सदस्य नहीं हैं। SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी में शामिल लोग सामाजिक और आर्थिक मामले में पिछड़ेपन का शिकार हैं और इस वजह से इन्हें बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। लेकिन वो लोग जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं हैं, उन्हें फॉरवर्ड या जनरल क्लास कहा जाता है, जो अनरिजर्व्ड होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में बताई सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी और जरूर कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल और सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।